हेलो दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्रेमेकर आई नो बहुत दिन से कंटेंट नहीं आ रहा है लाइव स्ट्रीम्स नहीं आ रहे हैं uh, यार थोड़ा साइफ फीवर था मुझे तो दैट्स दैस आई वाज नॉट एबल टू पुट आउट द कंटेंट एंड ऊपर से लाइव स्ट्रीम्स भी आएंगे मंडे से आ सकते हैं मंडे से हम लोग लाइव स्ट्रीम्स वापस स्टार्ट करेंगे वैसे भी आई भी स्टार्ट होने वाला है कल से तो डोंट वरी अबाउट इट इट विल बी सून बैक बट आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है वो है भाई जिक्सन सिंह आई नो वाई वाई जिक्सन सिंह बोलोगे आप वाई जिक्सन सिंह बोलोगे आप बिकॉज़ जिक्सन सिंह इज गोइंग टू मिक्स इज़ गोइंग टू मिस सॉरी लार्ज चंक ऑफ इंडियन नेशनल टीम गेम्स राइट नाउ एक या दो महीने वो मिस करेगा तो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट द इंपॉर्टेंट गेम्स आर इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राइट जो नवंबर में होने वाले हैं uh, ंक नवंबर सिक्सटीन सेवन स्टार्ट हो रहे फर्स्ट मैचेस हमारे ठीक है तो वो मिस करेगा भाई वो मिस करेगा ही नॉट भी प्लेइंग दैट शोल्डर इंजरी हो चुकी है उसको आई थिंक मुंबई के अगेंस्ट जो नॉक लिया था उसके वजह से उसको शोल्डर इंजरी हो चुकी है एंड ऊपर ही नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर कॉट वर्ल्ड राइट ना हो सकता है वो एफ सी एशियन कप के लिए वापस आ जाए तो इट इ्ट वेरी फार थिंग राइट एंड आई होप की भाई आई होप जल्दी से उसकी वो इंजरी जो है नर्स हो जाए नो ही कम बैक बट सीधी सली बता रहा हूँ यार यहाँ पे uh, एक, उट राइट right? कि जो मलेशिया के साथ में गेम था उसमें हमने तो बट ये दो प्लेयर्स है ना एक जो नया गेम प्ले यहाँ पे इंडिया ने अडेप्ट किया ना, उसमें ये दो प्लेयर्स अनवर अली एंड जक्सन सिंह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।, है सिंपल सा बात है ऊपर से हमारे फुल बैग्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं मिडफील्ड में विच इज रियली गुड ऊपर से आप देखोगे हम लोग पुश कर रहे हैं हमारे मिडफील्ड को और हमारे सेंटर बैक्स को टू गो इन टू द देखो सेंटर बैक्स हमारे मोस्टली सेकेंड हाफ में मलेशिया के देख सकते हो कि हमने मिडफील्ड में डाला था और हमारे जो मिडफील्ड है फुल ऑन अटैक को हेल्प कर रही थी राइट एंड इज वेरी गुड टू सी

ऑल ऑल द द इंडियन प्लेयर्स यार मैं एक किसी एक बंदे का यहाँ पे नाम लेके उनको uh, खराब नहीं दिखाना चाहता वी कूडेंट प्ले थ्रू द प्रेशर दैट वॉज सिंपल एस दैट बट पहले के जो मैचेस हुए यू कुड क्लियरली सी जब अनवर खेले थे डिफेंस में जब जिक्सन थे मिडफील्ड में वी कुड प्ले थ्रू द प्रेशर राइट नॉट ऑलवेज बट इट वर्क आउट इट पैंड आउट प्रॉपरली बट जब हमने रोहित को देखा सुरेश के साथ में तो मुझे कहीं ना कहीं फ्लेक्सीबिलिटी नहीं दिखी वो बिल्डअप में फ्लेक्सिबिलिटी सच में नहीं दिखी और कहीं ना कहीं यार अगर आप बाक जिक्सन को ऐड करोगे तो फ्लेक्सीबिलिटी दिखने की स्टार्ट हो जाएगी और जो प्रेस आता है वो प्रेस बहुत कम आना स्टार्ट हो जाएगा एंड ऊपर से अनवर को वापस से ऐड करो तो हो सकता है वो जो स्पेस था ना हमारे जो सेंटर बैक्स के बीच में स्पेस था जिसको मलेशिया जिसे मलेशिया को फ़ायदा हो रहा था वो फायदा भी नहीं हो पाएगा खेलते हैं ना, कभी टैक्टिकल फाउल प्ले वाला सीन हो जाता है ना उनके साथ में तो लोग का क्या होता है कि भाई बॉल जो है उनके पोजिशन में रहते हैं उनको मजा आता है जब वी आर है बॉल इन अवर पोजिशन दे टेन टू गेट मैट या फिर आप बोल सकते हो भाई एकदम हार्ड uh, प्रेस करने के लिए आएंगे एक्सट्रीम प्रेस करने के लिए आएंगे एंड वहां से हमारे जो विंगर्स हैं स्पेशली महेश या फिर चांगते हो दे कैन यू नो बुलडोज थ्रू द डिफेंस एंड यू नो स्कोर गोल्स और क्रिएट गोल्स वॉट एवर इट इज बट उसके लिए उसके लिए अनवर को वापस लाना डिफेंस में एंड जिक्सन को वापस लाना मिडफील्ड में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अगेन जिक्सन 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 तो अभी जिक्सन तो आएगा नहीं तो हम लोग किसको खिलाएंगे नाउ यू हैव थ्री ऑप्शंस थ्री ऑप्शन एक तो एक ऑप्शन है भाई कि अपूया को वापस लाओ ना अपूया का सिनारियो आपको पता है कोच के साथ में क्या चल रहा है उसका प्रॉब्लम चल रहा है वॉट एवर इट इज आई नो दोनों साइड से बोल रहे हैं यहाँ से कुछ ट्वीट आ रहे हैं वहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये सब हो रहा है राइट बट अगेन इफ अपू कम्स बैक मेरे हिसाब से नाइनटी परसेंट ऑफ द प्रॉब आर सॉल्व बट नाउ इफ अपून कम बैक तो वहां पर हम लोग सुरेश को डाल सकते हैं एंड नंबर एट में थापा को खिला सकते हैं दिस इज द ओनली वाइबल ऑप्शन आई एम सींग राइट नाउ अगर हम लोग एक सिंगल डिस्ट्रॉइगर के साथ में जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो इट विल पैन आउट राइट फॉर इंडिया एंड अगेन भाई हम लोग कम कर जाएंगे बहुत बहुत गंदी तरीके से पेले जाएंगे तो आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट सीरियसली बता रहा हूं आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट नाउ अ कोच हैज ओनली टू ऑप्शन ए दर

प्रो आई गो स्टैम स्टेटमेंट है तो वो तो बोलेंगे भाई अगर कोच नहीं चाहता वो अगर वो अपलराइज नहीं करना चाहता हो तो ही शुड इन प्लेइंग वट एवर इट इज बट इफ यू रियली सी दीट मैप द वे दाय हैज प्लेन स्पेशली इन एशियन चैम्पियंस लीग एंड द आई एस एल भाई ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब ही इज बिन हाव वर्किंग हीस पासिस हैव बीन वेरी गुड ही हैज बीन वेरी एप्ट एंड ऊपर से भाई ग्राउंड डूल जितने की बात हो पोजिशनिंग की बात हो या टैकलिंग की बात हो टॉप क्लास रहा है बंदा एकदम टॉप क्लास रहा है द ओनली गाय हु कम्स क्लोज इज फाल्गोनिक खोशाम सिंह अगेन इट विल बी वेरी अर्ली टू एड फाल्गोनी टू द स्कॉड या विबिन मोहन टू द स्कॉड इवन फ्रेडी टू द स्कॉड इन माई ओपिनियन दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऊपर से तो क्लियरली बताते हैं भाई ये तो एक सीजन तो होने दो तब तो उनको लिया जाएगा तब तो उनको भापा जाएगा तब तो उनको चेक किया जाएगा वो वाली बात होती है सिंपल सी बात है ये कोई भी प्लेयर जिसका मैंने अभी तक नाम लिया वो नहीं खेलेंगे यहां पे चांस है अपूया का खेलने का बट अगेन इट विल ऑल डिपेंड ऑन आई गो स्टैमक साहब एंड ऑल्सो अपूया राइट तो राइट नाउ अव हैव ओनली वन ऑप्शन जहां पे थापा एंड सुरेश खेल सकते हैं एज अ डबल प्ले जहां पे थापा एज अ नंबर एट सुरेश हैज अ स्टेडियम खेल सकते हैं नाउ विल दिस पैन आउट प्रॉपरली

सच में बता रहा हूं मैं वी कैन डू दिसंट अगेंस्ट कतार अगेंस कुर्ड इन टू मैच इज गोइंग टू मैसेवली फॉर मी लाइक से वर्ल्ड कप क्वालिफायर आर मोर इंपॉर्टेंट दैन द एशियन कप एशियन कपाई बहुत टाइम है अभी आने के लिए बट द कतार मैच एंडवे मैच इज ऑन द हराइजन एंड वी नीड टू वी नीड टू प्रू आउट वी नीड दैट थ्री पॉइंट वी नीड दैट वन पॉइंट अगेंस्ट कतार अगर हम लोग करते हैं तो भाई लेट मी टेल यू द द रोड विल बी मोर क्लियर एंड जो आने वाले मैचेज हैं स्पेशली अगेंस्ट अफगानिस्तान अगर हम लोग दो मैचेज में से पॉइंट निकाल सकते हैं तो देर इज अ चांस देर इज अ चांस दैट वी माइट गो इंटू द राउंड थ्री एंड ऊपर से फायदे यार दोनों साइड से फायदे होंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे अपूाया को एंड यहाँ पे आगे उस टाइम को कहीं ना कहीं एक मिडिल रोड में आके दे हैव टू गेट इन्वॉल्व एंड देखो यहाँ पे We have to think about the Indian football fans. Always we are thinking about the officials and stuff. It's not right. कहीं ना कहीं Indian football fans का सोचना पड़ेगा Indian national team के हित में सोचना पड़ेगा उनको आगे कैसे लेके जाते हैं वो सोचना पड़ेगा like I said भाई हट मैप देखो यहाँ पे आप कि मैंने heat मैप भी दिखा दिया आपको इवन जिक्सन की देखो heat मैप आप, आप जब वो इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलता है द डीएम या फिर द दीडीएम रोल इन द नेशनल टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो भाई इसको इंपॉर्टेंस देना बनता है तो वो यू थिंक अबाउट दिस जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मेरे लिए एंड ऑल्सो डोंट फैगे टू लाइक दिस वीडियो डोंट फैगे टू शेयर दिस विद फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट टाइम हाई लोग जय हिंद और जय भारत